दोस्तों, आज है 10 फरवरी और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर कल के अभ्यास प्रश्न से। कल का अभ्यास प्रश्न, भारतीय थल सेना में कितनी प्रतिशत महिला कार्यरत हैं? 0.56%, 1.06%, 2%, 3%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.56%। अब हम आपको बताते हैं, हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में तीनों सशस्त्र बलों में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। आगे, भारतीय थल सेना में 0.56% महिलाएं कार्यरत हैं, ये जानकारी भी राज्यसभा में दी गई। भारतीय वायुसेना में मेडिकल एवं डेंटल कर्मचारियों को छोड़कर 1.08% महिला कार्यरत हैं, जबकि भारतीय नौसेना में अधिकारी स्तर की 6.5% महिला कार्यरत हैं। 2019 की तुलना में 2020 में तीनों सशस्त्र बलों में मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग को छोड़कर कार्यरत महिलाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.56%। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न एक, सुर्खियों में रहा पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य असम में है। असम स्थित पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य में इस साल किए गए सर्वे के मुताबिक इसमें जल पक्षियों की 58 प्रजातियां हैं। इस वन्य जीव अभयारण्य को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि असम की कैपिटल दिसपुर है और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के सीएम हैं सर्वानंद सोनोवाल और यहाँ राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ का डांस आता है जो कि बिहू है। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। आगे प्रश्न दो, खबरों में रहा ब्रुक एशियाना क्या है? एक फूल है, गिरगिट है, जीवाणु है या विषाणु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरगिट। वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर में एक गिरगिट की खोज की है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपा है। इस गिरगिट का नाम ब्रुक एशियाना है। इससे पहले गिरगिट की प्रजाति ब्रुक एशिया मिक्रा को सबसे छोटा सरीसृप माना जाता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरगिट। हम आपको बता दें, मेडागास्कर कंट्री है ईस्ट एशिया अफ्रीका की और मेडागास्कर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। आगे प्रश्न तीन, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 वॉरियर मेमोरियल बनने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा ने कोविड-19 वॉरियर्स द्वारा की गई सेवा एवं बलिदान की याद में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क में यह मेमोरियल बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को किए जाने की उम्मीद है। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। हम आपको बता दें, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जो कि हरियाणा के हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, खबरों में रहे इंस्टेटेनियम तत्व की खोज कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1952। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार इंस्टेंटेनियम तत्व की कुछ नई विशेषताओं का पता लगाया। ये अध्ययन पत्रिका नेचर में छपा है। वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल रहे कि इस तत्व के परमाणु एक दूसरे से कैसे बंधे रहते हैं। इंस्टेंटेनियम तत्व
का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। इस तत्व की खोज 1952 में किए गए पहले हाइड्रोजन बम के विस्फोट के मलबे में की गई थी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1952। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइस, फिक्की, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, ड्रीम्स लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइस। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने आज अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी में मसालों, सुगंधित और औषधीय पौधों में नवचार के बारे में चर्चा होगी। इसका आयोजन इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइस द्वारा किया जा रहा है। 4 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी में देश विदेश के भी लोग शामिल होंगे। इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइस की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका मकसद मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड जीता है? ऐश्वर्या श्रीधर, वरुण आदित्य, आदित्य वेंकटेश्वर और एस्ट्रो मोहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस्ट्रो मोहन। उडुपी के वरिष्ठ न्यूज फोटोग्राफर एस्ट्रो मोहन ने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड जीता है। एस्ट्रो मोहन की फोटो जिसका कैप्शन द हार्ट है, उसे यह पुरस्कार मिला है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस्ट्रो मोहन। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसने ACI वर्ल्ड का वॉइस ऑफ कस्टमर पुरस्कार जीता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ कस्टमर पुरस्कार जीता है। 2020 में कोविड-19 के दौरान एयरपोर्ट द्वारा अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देने एवं उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस एयरपोर्ट ने 2020 में कोविड-19 के दौरान यात्रियों को एयर ट्रेवल में विश्वास को जो बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, भारत का सबसे बड़ा भित्ति चित्र कहाँ बनाया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, पटना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। हम आपको बता दें कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्ति चित्र चेन्नई के इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। इसका टाइटल VR है। 63,000 वर्ग फुट में फैला यह भित्ति चित्र मात्र 40 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 5 लोगों का छाया चित्र दिखाया गया है, जिसमें से 3 HIV से ग्रसित हैं। इस भित्ति चित्र का मकसद एड्स से ग्रसित लोगों को सशक्त करना है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, खबरों में रहा सहतूत बांध किस नदी पर बनाया जाना है? चिनाब, हेलमंद नदी, काबुल नदी, झेलम नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काबुल नदी। काबुल नदी एक अफगानिस्तान की नदी है। आज भारत और पाकिस्तान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल रूप में आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से सहतूत बांध पर वार्ता की और सहतूत बांध के निर्माण पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सहतूत बांध अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बनाया जाएगा। इस बांध से काबुल के 2 मिलियन लोगों को पेयजल की जरूरत पूरी होगी। पिछले साल ही काबुल नदी पर सहतूत बांध बनाए जाने की भारत ने घोषणा कर दी थी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काबुल नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? टेरी, फिक्की, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेरी।
टेरी की फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है जो 10 से 12 फरवरी तक 2021 तक चलेगा। इस शिखर सम्मेलन की थीम है हमारे कॉमन भविष्य को पूर्ण परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। इसका आयोजन हर साल टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टेरी। अब आज का अभ्यास प्रश्न, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा और विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है अभ्यास, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज के करंट अफेयर में इतना ही, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।